कभी कभी तो मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, इतना गुस्सा आता है मुझे। कभी कभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के घर में जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उनके माता पिता कहते हैं, देख बेटा अंकल आए हैं, जरा पोएम तो सुना। मैं कहता हूँ भाई मैं अंकल नहीं हूँ, मुझे या तो मामा बना लो या चाचा बना लो, दोनों में ही आपका फायदा है, मेरा भी फायदा है। मामा बनो तो भी फायदा, चाचा बनो तो भी फायदा, अंकल में तो कुछ रखा नहीं है। फिर उनके माता पिता को कहता हूँ, ये आप इनको पोइम क्यों सुनवाते हैं, कविता सुनवाओ ना। तो उनको पोइम और कविता का अर्थ ही पता नहीं है, पोइम अलग है कविता अलग है। अब वो बच्चे चालू हो जाते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह से और पोइम सुनाते हैं मुझको, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। अब मैं बच्चे को पूछता हूँ, तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है? नहीं मालूम। किसने सिखाया? मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछा, आपको अर्थ मालूम है रेन रेन गो अवे? नहीं मालूम। तो मैं बताता हूँ, देखो इसका अर्थ ये है, बारिश बारिश तुम चली जाओ मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। माने छोटे बच्चे को खेलना है, इसलिए वो बारिश को कह रहा है, बारिश बारिश तुम चली जाओ यहाँ मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। अब ये बच्चे कविता गा रहे हैं, बारिश बारिश तुम चली जाओ यहाँ मत आओ मुझे खेलना है, और ये ईश्वर से प्रार्थना के रूप में कविता है। करोड़ों बच्चों ने ये कविता गाई और ईश्वर ने सुन ली, तो बारिश को वापस बुला लिया तो क्या होने वाला है? बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो आप भी भूखे मरेंगे, मैं भी मरूंगा, किसान भी मरेंगे। इतनी अकल नहीं है हमको, ये रेन रेन गो अवे कितनी खतरनाक चीज है। हमारे भारत में 60% खेती बारिश पर होती है, 40% खेत में ही सिंचाई की व्यवस्था है। जब 60% खेती बारिश पर हो तो बारिश ज्यादा होनी चाहिए इस देश में, ऐसी कविताएं हम बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? लेकिन वो कविताएं मातृभाषा में हो सकती हैं, अंग्रेजी में नहीं हो सकते। मैं एक मराठी मातृभाषा की कविता सुनाता हूं आपको, अर्थ बहुत सीधा है उसका। वो कविता है, ये रे पाउसा तोला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाउसाला मोटा। ये रे माने आओ आओ जल्दी जल्दी बारिश तुम आओ, पाउसा माने बारिश। मराठी में कह रहे हैं बारिश बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ, नहीं आओगे तो मैं पैसा देने को तैयार हूं, तुम आ जाओ क्योंकि मुझे बारिश की जरूरत है, क्योंकि खेत को पानी की जरूरत है, क्योंकि 60% खेती बारिश पर आधारित है। तो भारतीय कविता बारिश को बुलाने वाली होती है और अंग्रेजी कविता बारिश को भगाने वाली होती है, क्योंकि इंग्लैंड में मौसम खराब रहता है, कभी भी बारिश आती है, इसलिए वहां के बच्चे कहते हैं रेन रेन गो अवे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं।